इधर बैठ जाएं आप। टाइम ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया मेरी पार्टी के पुराने वर्कर्स को। लाहौर में जब मैं मिला तो कईयों को मैं पहचान ही ना सकूं कि शक्लें इतनी बदल चुकी थी, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पिंडी में शक्लें कायम रही हैं, फिटनेस का ज्यादा। तो अच्छा आप सुने सर, देखिए मैं आपको इसलिए दावत दी क्योंकि इंशाल्लाह पार्टी का 22वां साल है, 25 अप्रैल को 22 साल पूरे होंगे तहरीक इंसाफ के, और इंशाल्लाह ये 22वां साल में ही ये पार्टी पाकिस्तान में पावर में आएगी। देखिए मैं इसलिए आपके पास आज आपको दावत दी, देखिए एक आप एक तहरीक का हिस्सा है, एक मूवमेंट का हिस्सा है। आप उस मूवमेंट को ऐसे देखें जैसे तहरीक पाकिस्तान थी कि कायदे आजम बहसो तक को पीछे देख सकते, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने एक तहरीक चलाई थी। प्रवीण बैठ जाओ, आप आराम से बैठ के सुनो क्योंकि अभी मैं तुम्हें भी याद करूंगा। जब जॉर्ज बुश आया पाकिस्तान 2006 में, तुम्हारी पार्टी थी तहरीक इंसाफ, उसने कहा कि हम मुजाहरा करेंगे। मुजाहरा इसलिए करेंगे कि इराक में इतने ज्यादा मुसलमानों की कत्लेआम की जॉर्ज बुश की प्रेसिडेंटशिप के दौरान, और इतना ज्यादा उन्होंने अफगानिस्तान में भी इराक में भी, तो हमने फैसला किया कि हम वाहिद पार्टी होंगे जो मुजाहरा करेंगे इसके आने पर। तो मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया, पिंडी में हमने मुजाहरा करना था, तो मुजाहरे में हमारी जो पार्टी की सारी क्यादत थी जो पहुंची वहां, उस सारी क्यादत को उन्होंने एक वैन के पीछे बंद कर दिया और एक इंसान पहुंचा उधर, टीवी कैमरे लगे हुए, और वो थी प्रवीण। और प्रवीण ने वहां बड़ी अच्छी स्टेटमेंट भी पहुंच गया, तो क्योंकि मैं हाउस रेस्ट था तो मैं टीवी देख रहा था, तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि प्रवीण ने जाके बड़ा अच्छी पार्टी का मौका सामने रखा। तो मैं सिर्फ आपको आज इसलिए बुलाया, एक चीज आपने समझ जाए कि एक है नॉर्मल पॉलिटिक्स जो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की, दूसरी है कि आप एक मूवमेंट का हिस्सा है। मूवमेंट आती है कोई एक नजरिया लेके, यहां मूवमेंट एक ही चली थी पहले तहरीक पाकिस्तान जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के पीछे चली, और उन्होंने वो मुस्लिम लीग जो बिल्कुल एक, यानी हमारी जो थी ना पार्टी 2006 में जब पिंडी की सारी क्यादत एक बैन के पीछे आ गई थी, एक बैंक के अंदर बंद करके थाने में ले गए थे, तो उसी तरह मुस्लिम लीग भी वैसी थी। मुस्लिम लीग में भी उनकी सिर्फ एक मीटिंग होती थी साला एक होटल के अंदर, नीचे कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन उनके पास एक आइडिया था, एक नजरिया था, और वो नजरिया ये था कि वो समझते थे कि मुसलमानों को आवाज नहीं मिलेगी हिंदुस्तान में, और मुसलमान दब जाएंगे और उनके हकूक चले जाएंगे और उनको अपनी अपनी जो तर्ज जिंदगी है वो गुजार नहीं सकेंगे हिंदुस्तान में। तो ये सोचेंगे ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मूवमेंट, वो एक छोटी सी मुस्लिम लीग को कायदे आजम ने उठाया। 1937 में जो इलेक्शन हुआ
तो एक सीट मिली थी सारे पंजाब में मुस्लिम लीग को, एक सीट मिली थी। तो कायदे आलम से भी बड़े लोगों ने पूछा कि जी आपने इतनी इतना रैल, आपकी शान और शौकत की जिंदगी थी, बरतानिया में आप रह रहे थे, प्रैक्टिस ऐसी थी कि उन दिनों में बेंटली यानी सबसे महंगी गाड़ी और शोफर ड्रिवन ड्राइवर बड़े घर में रहते थे हैमस्टर्ड में लंदन में। तो उन्होंने कहा आप जो सब छोड़ के पाकिस्तान आए हैं हिंदुस्तान, तो ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग का क्या हाल हुआ, एक सीट मिली है सारे पंजाब में। तो कायदे आजम ने तब ये कहा, और ये होती है तारीख, ये याद रखे पॉलिटिक्स और तारीख में फर्क क्या है। पॉलिटिक्स होती तो वो छोड़ के चले जाते। उन्होंने कहा कि मैं तहरीक अपने लिए नहीं चला रहा, ये अपनी कौम के लिए मुसलमानों के लिए चला रहा हूं, जिनको इंसाफ नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में, जो बराबर के शहरी नहीं रहेंगे। और आज नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में वो मुसलमान जो मुझे हिंदुस्तान में मुसलमान रहते जब क्रिकेट खेलने जाता था वो कहते थे देखिए जी पाकिस्तान ना बनता तो बेहतर होता। आज वो लोग कह रहे हैं कि जो कायदे आजम की सोच थी पाकिस्तान में वो मुसलमान जो हिंदुस्तान में, वो आज कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक पाकिस्तान बनाया, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में लोगों को मुसलमानों को वो आज हो रहे हैं जो कायदे आजम ने तब कहा था। कायदे आजम ने तब पेशन गोई की थी कि तुम दब जाओगे, एक लीडर नहीं है मुसलमानों का हिंदुस्तान में। आज 70 से 75% मुसलमान हिंदुस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे है, अपॉर्चुनिटी से नहीं है, ऊपर ही नहीं आ सकते। और आज जो ये जो कायदे आजम किन की कदमों पर चल रहे थे, किसके रास्ते पे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 40 मुसलमान हुए 10 साल की तबलीग के बाद, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक खुदा के लिए जब निकले, तो यकीन करें कि 10 साल की तबलीग में सिर्फ 40 मुसलमान थे, वो भी हार मान जाते हैं, लेकिन वो अपने लिए नहीं कर रहे थे, वो अपने अल्लाह के लिए अल्लाह का पैगाम लेके आए थे। वो नजरिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नजरिया था, तो उस नजरिए के लिए कर रहे थे। मेरे को 10 साल की तबलीग में कितनी मुश्किलात जो उनसे जिस तरह की तशद्दुद हुआ मुसलमानों पे, वो भी छोड़ जाते। वो तो बड़ी अच्छी बिजनेसमैन थे, अच्छे घर के थे, आराम से जिंदगी गुजार रहे थे, तो उनको तो जरूरत नहीं थी कि हर किस्म की मुश्किलात का सामना करें। और जो जिस रात वो मदीना को निकले मक्का से, तो उनकी उनको कत्ल करने आ रहे थे, उनको तो जरूरत नहीं थी, लेकिन एक नजरिए के लिए कर रहे थे। तो जब कायदे आजम, आप ये यकीन करें कि कायदे आजम ने जब उसको कहा, जब उनके दोस्त ने पूछा कि देखे आपने ये क्यों छोड़ के इंग्लैंड से यहां आ गया, आराम की जिंदगी थी, तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ एक चीज मैं चाहता हूं कि जब मैं इस दुनिया से अपने अल्लाह के सामने जाऊं तो मैं अल्लाह से सिर्फ एक चीज सुनना चाहता हूं, और मेरा अल्लाह मुझे यह कहे कि शाबाश जिना, तुमने अपनी कौम के लिए पूरी कोशिश की। सुने, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे यहां पुराने वर्कर्स हैं, मैं आज इनको देख रहा हूं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इन सबको देख के। ये तब हमारे साथ आए थे जब सारे हमारा मजाक उड़ाते थे, कोई नहीं समझता था पार्टी जीतेगी, टांगे की सवारी कहते थे। हाँ, टांगे की सवारी कहते थे, टांगा पार्टी कहते थे, कहीं वो जो टांगा पार्टी कहते थे आज हमारी पार्टी में घुसने की कोशिश कर रहा है। देखे मेरी सुन रहे, जरा
मैं जो आपको बात समझाने सुने देखिए मैं आज आपको एक पैगाम लेके आया हूं आपके लिए, आपको समझाने के लिए कई चीजें आया हूं। एक हमारे नए कारकुन हैं और जो फाउंडर लोग हैं उनके लिए खास तौर पे। देखिए जब मूवमेंट शुरू होती है थोड़े से लोग होते हैं। दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर, चाहे आप मुसलमान हैं या नहीं है, किसी ने वो नहीं किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। कोई ने किसी ने ये अचीवमेंट नहीं की। एक किताब है 100 ग्रेटेस्ट मैन, उसमें उनको नंबर वन रखा है। वो किसी अंग्रेज ने लिखी है, क्योंकि किसी की भी वो अचीवमेंट नहीं है। लेकिन वो लीडर के लिए 10 साल में सिर्फ 40 लोग उनके मुसलमान हुए थे। तो उन्होंने हमें क्या बताया, हमें कुरान शरीफ कहता है कि नबी की जिंदगी से सीखो, उनके रास्ते से सीखो, जिसको सुन्नत कहते हैं। तो उससे हमने ये सीखा, जब मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आए तो मैं ये सोचता था कि वो तो अल्लाह के हबीब हैं। अल्लाह कुरान में सिर्फ एक इंसान को अपना हबीब कहता है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हम तो एक उनके पैर की मिट्टी बराबर भी नहीं है। तो अगर उनको अल्लाह ने इस मुश्किल वक्त से गुजारा, तो इसका मतलब कि ये हमें अल्लाह चाहता है कि आप जब नजरिए के लिए निकल रहे हैं तो आपको मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ेगा। और फिर ये ना सोचे कि आप जीतेंगे कब, ये ना सोचे कि कब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। अल्लाह ने सिर्फ इंसान के हाथ में कोशिश और नियत दी है, वो कामयाबी उसने हमारे हाथ में नहीं रखी, वो अल्लाह के हाथ में। उसका जब फैसला होता है तो कौन समझ रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अंधेरी रात उधर से निकले, मदीना से मक्का से निकले मदीना के रास्ते। और हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि कितनी मुश्किल से वो पहुंचे वहां जान बचा के। और वो उनकी शुरुआत थी, उनके अरूज का वो शुरू था। तो अगर इसी में आप देख रहे हैं कि अल्लाह के हाथ में होता है। कायदे आजम जब आए एक सीट पर नहीं, 1947 में पाकिस्तान बनता है, 1946 तक उनको नहीं पता था कि पाकिस्तान बनेगा। एक साल पहले तक कोई नहीं समझ रहा था पाकिस्तान बनेगा। कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया, उनके पास बड़े बड़े जायंट थे, नेहरू, गांधी, पटेल, मौलाना आजाद, इनके पास सिर्फ एक, हमारे पास सिर्फ एक कायदे आजम थे। अंग्रेज भी नहीं चाहते थे पाकिस्तान बने। उधर एक साल 1946 को भी नहीं पता था कि पाकिस्तान बनेगा। और जब कायदे आजम दिल्ली से कराची पहुंचते हैं 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान बनने से, जब वो पहुंचते हैं कराची में, तो अपने एडीसी को कहते हैं कि मैं कभी नहीं समझता था कि मेरी जिंदगी में पाकिस्तान बनेगा। तो कहने का ये मतलब है कि जब आप एक तहरीक के लिए निकलते हैं तो उसमें ये नहीं होता कि कौन सा टाइम फ्रेम होगा, कब बनेगा जी वजीर आजम, ये नहीं होता। अल्लाह सिर्फ हमारे से मेहनत चाहता है, दिलों के राज को जानता है, मेहनत कोशिश चाहता है हमारे से। और जब आप कोशिश करते हैं तो शुरू होता है एक पार्टी के 2006 में जब मुजाहरा होता है पिंडी में, तो फिर से सारी पार्टी हमारी क्यादत आमिर क्यामी उसमें भी थे, सारी पार्टी की पार्टी वैन के पीछे आ जाती है पिंडी की। हाँ करण साहब भी थे, फैसल हाँ वो किधर है, फैसल इधर आके बैठो ना, तुम किधर पीछे छुपे हुए हो। फैसल भी मैं हमारा बड़ा चीता था, फैसल भी बड़े मुश्किल वक्त का हमारा साथी है, इधर आके बैठो।
सर बाल थोड़े सफेद हुए वैसे फिट वैसे के वैसे ही हो वैसे वैसे तो अच्छा तो आप सुने जरा फैसल प्लीज जरा आगे फैसल के लिए जगह बनाओ हाँ वैसे इधर प्लीज इधर आना अच्छा जी अब जरा सुने तो जो तहरीक इंसाफ थी 2006 में और अल्लाह का करम है कि आज ये इतनी बड़ी पार्टी है कि आपको किसी को भी नहीं पता कितनी बड़ी पार्टी है आज पार्टी उधर पहुंच गई है जिधर पार्टी की तंजीम ही नहीं पहुंची आज आप पाकिस्तान के किसी हिस्से में चले जाएं मैं आज कुछ चैलेंज करता हूं कि हमारी तंजीम शायद वहां ना हो हमारी पार्टी पहुंची हुई है आज माशाल्लाह करने वाला अल्लाह है कोशिश करने वाले हम हैं आज सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी और बाहर फेडरल पार्टी है सारे सूबों में ये तो पार्टी एक छोटी सी सिंध के अंदर रह गई है इंटीरियर सिंध में और एक रह गई है सेंट्रल पंजाब में बाकी बाहर पार्टी है जो कि इंशाल्लाह इस मुल्क को इकट्ठा रखेगी सारे सूबों को इकट्ठा रखेगी और इंशाल्लाह इसको वो पाकिस्तान बनाएगी जो जिसके लिए कायदे आजम की जद्दोजहद थी और इलामा इकबाल ने जिसकी ख्वाब देखी थी एक अजीम मुल्क के लिए वो इसलिए बनेगी आपकी पार्टी इंशाल्लाह वो पाकिस्तान इसलिए बनाएगी कि जो पार्टी हम ये कह के निकले थे हमने जब 96 में पार्टी बनाई थी तो वाहिद पार्टी थी जिसने कहा था सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला करप्शन है कोई हंसते थे लोग कि जी करप्शन लोगों का और मसला है आप ये करप्शन करप्शन लेके फिर रहे हैं आज पाकिस्तान समझा है सारा पाकिस्तान समझा है कि करप्शन क्या होती है जब से उन्होंने एक शख्स को सड़क पे मारे मारे फिरते कहते देखा कि मुझे क्यों निकाला ये प्लीज याद रखें एक मुल्क गरीब कभी भी नहीं होता वसाइल की कमी की वजह से गुर्बत आती है जब उस मुल्क के इकतदार में बैठे हुए लोग मुल्क को लूटते हैं दुनिया के अमीर तरीन मुल्क वसाइल की वजह से नाइजीरिया तेल पे बैठा है कांगो अफ्रीका में मुल्क है हीरे जवाहरात सोना जो कहे वहां है गरीब तरीन मुल्क है दुनिया के गरीब तरीन मुल्क है गुर्बत की इंतहा आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे हमारा पाकिस्तान मैं वो पाकिस्तानी जिसे सारी दुनिया देखी है जो वसाइल अल्लाह ने पाकिस्तान को दिए हैं और जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है पाकिस्तान की शायद ही किसी मुल्क को अल्लाह ने नवाजा ऐसा इसलिए तो नहीं ये 27वीं की रात को बना था पाकिस्तान अल्लाह ने इस मुल्क को बनाया किसी मकसद के लिए इसलिए नहीं बनाया था के बजाय टाटा और बिरला के या शरीफ और जरदारी अमीर हो जाएं ये इसलिए बनाया था कि हमने एक मिसाल बननी थी कि एक इस्लामी फलाई रियासत क्या होती है हमने वो दुनिया में मिसाल बनानी और वो इंशाल्लाह आपकी पार्टी बनाएगी तो मैं ये जो फाउंडर मेंबर्स हैं हमारे आपको ये कहना चाहता हूं कि ना तो मैं आपको भूला हूं ये और बात है कि मैं इस जंग में देखें ये कोई पॉलिटिक्स नहीं मैंने की माफिया के सामने खड़ा हूं नहीं 10 केसेस किए हैं उन्होंने मेरे ऊपर 1.5 साल में 2 सुप्रीम कोर्ट में 4 इलेक्शन कमीशन में 4 दहशतगर्दी के केस ये किसी पॉलिटिक्स में ऐसे नहीं होता पॉलिटिक्स में होता है कि अगर आप किसी की करप्शन पकड़े करप्शन का मतलब वो आम का पैसा चोरी करना करप्शन क्या होती है मेरा तो नहीं उसने पैसा चोरी किया 300 अरब रुपया जो शरीफों का बाहर पड़ा है
या जरदारी का इस इतना इसका पैसा बाहर पड़ा है, वो कौम का पैसा चोरी किया हुआ उसने, मेरा तो नहीं पैसा चोरी किया। और अगर दुनिया के अंदर जमहूरियत में जब ऑपोजिशन देखती है गवर्नमेंट में कोई बैठा पैसा चोरी कर रहा है, वो ऑपोजिशन का काम है उसकी निशानदेही करना। इसका ये नहीं मतलब कि आप निशानदेही करें और आपके ऊपर इंतकामी कार्रवाई शुरू हो जाए, केसेस पे केसेस शुरू हो जाए। तो ये माफिया है, खरीदने की कोशिश की, 10 अरब रुपया ऑफर किया इन्होंने, कीमत लगाई मेरे जमीन की। और मुझे उम्मीद है कि आज सेनेट में लोगों की, हमारी लोगों की जमीनों की कीमतें ना लग जाए, मुझे डर भी लगा हुआ थोड़ा सा, बड़े बड़े पैसे लग रहे हैं इस वक्त। लेकिन ये भी सोचे ना कि इन्होंने मुल्क किधर पहुंचा दिया, सोचे मुल्क किधर पहुंच गया है। सारी कौम को पता है कि सेनेटर बनने के लिए एमपी के जमीनों की नीलाम हो रहा है, कीमतें लग रही है। कुछ सोचे किसी मुहजब माशरे में यह हो सकता है? आप सोचे कि वो मुल्क जो बना था नजरिए पे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वह हमारी लीडरशिप है, एमपी आपकी लीडरशिप ही है ना। आज जैसे मैं बात कर रहा हूं ये बिक रहे हैं, कीमतें लग रही है लोगों की, जनाब कितनी कितनी कीमत पे किसको खरीदना है। तो हमारी जो जंग है वो ये कि हमने और आपके जितने आप फाउंडर मेंबर्स हैं, मैं आपको इसी आज खास तौर पे आया था ये कहने के लिए कि आप एक दिन आपको फखर होगा, एक दिन रोना। अभी तो वो पाकिस्तान ही बनाना, मैं जो बनाना चाहता हूं वो जब पाकिस्तान बनेगा, जो कि पख्तूनख्वा में हमने कोशिश की है और पहली दफा पहली बारी थी, और मैं वहां कैप्टन नहीं था, मैं कोच था, कैप्टन तो वहां प्रवेश अटक थे। उसके बावजूद आज जो पख्तूनख्वा में हुआ, आधी हो गई है गुर्बत 5 सालों में, आधी गुर्बत। आज आप पख्तूनख्वा की पुलिस देखें, आप मानेंगे नहीं कि पाकिस्तान की पुलिस है, आपको लगेगा यूरोपियन पुलिस है। जुर्म आधे हो गए, दहशतगर्दी 70% कम हो गई, माफिया गायब हो गया वहां। आज अब वहां स्कूलों को देखें, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में, 40 साल तारीख में जब से स्कूलों को नेशनलाइज किया, पहली दफा प्राइवेट स्कूलों से लोग बच्चे सरकारी स्कूलों में 1.5 लाख बच्चा गया। आज अस्पताल देखे वहां, आज अभी अभी वो उधर नहीं पहुंचे जो मैं सब चाहता हूं, लेकिन बाकी सूबों से मुकाबला कर रहे हैं पख्तूनख्वा के अस्पतालों का। आप वहां की लोकल गवर्नमेंट सिस्टम देखें, वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया जो कभी आया नहीं पाकिस्तान के अंदर, जो हमने अपने आने वाली नस्लों के लिए पहली सूबाई हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख पे काम किया, 1 अरब 18 करोड़ दरख्त लगाए, 40 छांगा मांगा बना दिए वहां। क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ये याद रखना कि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा खतरा, दो खबरें आ रहे हैं, एक आ रहा है आलूगी का, पोल्यूशन का, जो आप लाहौर में पोल्यूशन देख रहे हैं, ये जो पोल्यूशन है ये बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। और इसकी अभी हम, मैं इंशाल्लाह आपके सामने फिगर्स दूंगा, हमने जो रिसर्च किया है कि कितना नुकसान ये पहुंचाएगा हमारी आने वाली नस्लों के। पहली हुकूमत है जिसने दरख्त उगाए, क्योंकि दरख्तों की वजह से पोल्यूशन कम हो जाती है। और दूसरी चीज ग्लोबल वार्मिंग, जो पाकिस्तान है वो नंबर 7 पे दुनिया में, वो मुल्क जो सबसे ज्यादा मुतासर होंगे जैसे दुनिया का गर्मी बढ़ती जा रही है, सब 7वें नंबर पे है। यहां अगर हमने आज ना कुछ किया जिस तरह हमने दरख्त उगाए हैं, ये ना किया तो जिस तरह यहां गर्मी बढ़ती जाएगी, ग्लेशियर पिघलते रह जाएंगे, दरियाओं में पानी खत्म हो जाएगा, या कैद पड़ेगा। इसलिए ये बड़ा जरूरी, जो पहली हुकूमत ने 1 अरब दरख्त उगाए और अब इंशाल्लाह 1 अरब और अगले 5 सालों में अपना टारगेट। तो मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूं कि इंशाल्लाह आपको हम ये साबित करेंगे कि ये हमने जो चार साल जो पख्तूनख्वा में एक्सपीरियंस हुआ, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो हमें एक्सपीरियंस है वो अब हमें पता है कि क्या करना है। इख्तदार में आएंगे इंशाल्लाह, आपको चेंज करके दिखाएंगे पाकिस्तान में।
तो मैं आपसे जो जो तो जब वो पाकिस्तान बनेगा, वो भी बना नहीं है, जब वो बनेगा तो ये जितनी फ्रंट रो बैठी है जिन्होंने तब इस पार्टी को सपोर्ट किया जब इसके पास हमारे पास थोड़े से लोग होते थे, आप इंशाल्लाह फखर से कहेंगे कि हम उस तरीके का हिस्सा था, हम उसके हिस्सा थे जिसने नया पाकिस्तान बनाया। मेरे वालिद हमें कभी, हम छोटे से थे तो हमें बताया करते थे कि वो मनारे पाकिस्तान पे थे जब कायदे आजम ने जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास की थी 23 मार्च को, तो मेरे वालिद साहब हमें बचपन से बताते थे कि मैं उधर था जब पाकिस्तान की रेजोल्यूशन बनाई थी। तो आप उधर होंगे, आप इंशाल्लाह फखर से कहेंगे कि हम उस